बद्रीनाथ के रास्ते में जाते हुए चले आ रहा, चलो चलो आ जाओ। अभी इस समय हम बद्रीनाथ में गर्म कुंड में स्नान कर रहे हैं। बंटी भाई, ये भाई अंकित, यह गर्म कुंड बद्रीनाथ में ऊपर मंदिर है। गर्म कुंड में से धुआं निकल रही है, इसी में नहा रहे हैं। बहुत मजा आ रही है गर्म कुंड में नहाने के बाद। पूरी थकान मिट जाती है गर्म कुंड में नहाने के बाद। खड़ा होकर मेरा बद्री विशाल की जय हो। ये है गाइस, ये देखिए बद्री विशाल की जय। बद्री विशाल की जय। भैया ओम कलम स्नानम समर्पयामि। कहाँ रख दे, रखे कहाँ? ओम अपवित्रो पवित्राय भवः। पानी रखे कहाँ? इसको रखे कहाँ? तो अब हम तप्त कुंड में नहा लिए हैं, अब दर्शन के लिए जाएंगे। एकदम महादेव, हर हर महादेव, महादेव। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम में
तप्त कुंड में स्नान किया है। पानी इतना गर्म है कि आप चावल उबाल सकते हो, आलू उबाल सकते हो, परंतु जब एक बार पानी शरीर पर डालोगे तो फिर निकलने का मन नहीं करेगा। नितिन भाई नागा लेके नारद कुंड महात्म में, ये नारद कुंड है। अब हम दर्शन से आ जाएंगे, श्री बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। बोले बद्री विशाल की जय। वे पानी कहाँ से आ रही है? ये महर्षि नारद जी की प्रतिमा है और ये कुंड भी नारद कुंड के नाम से जाना जाता है। और नारद कुंड ठीक निकट भगवान बद्री विशाल के मंदिर के समक्ष है। आपको भगवान बद्री विशाल के मंदिर की पताका दिख रही होगी, वो लाल कलर की वही है। कुछ 50 सीढ़ी चढ़ के जाना है बस, दर्शन करके फिर दोबारा आते हैं हम। बोल बद्री विशाल की जय। जय हो बद्री विशाल। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आज हम पहुंचे हैं बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल के धाम। पंडित भाई जय बद्री विशाल। ये है बद्रीनाथ का मंदिर। सही वर्ड गए थे तमिल में, शिव। ये है जय हो बद्रीनाथ के दादा है ना। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हमारे यहाँ पे टाइगर महादेव, महादेव है। बोल सके मुझे बताओ दाना के पाए। जय बद्री विशाल। जय जय भाई साहब। देख श्री बद्री विशाल के दिव्य दर्शन रात्रि का समय। हिनो बद्री विशाल की जय। भगवान विष्णु का उद्गम स्थान, तीर्थ स्थान बद्री विशाल, जिसे भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, जो कि हिमालय पर्वत के दुर्गम श्रृंखलाओं के बीच में अलकनंदा नदी के तट पर विराजमान है। भगवान बद्री नारायण प्रसाद के सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ये भगवान बद्री विशाल के अंदर का गर्भगृह यहाँ से दिख रहा है, मगर मूर्ति दिखाई नहीं देगी। हम अभी अंदर गए, अंदर कैमरे ले जाना मना है, सख्त मना है। तो हम सब ने बहुत ही बढ़िया दर्शन किए, सबने बहुत ही बढ़िया दर्शन किए, दो दो बार दर्शन हुए, बहुत बहुत बढ़िया। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमो नारायणाय नमः। बहुत 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 बढ़िया दृश्य। ओम नमो नारायणाय नमः। जय बजरंगबली। जी
जय बद्री विशाल। इस समय हम खड़े हैं भगवान बद्री नारायण के सामने, जो पुल है उस पर खड़े हैं, और हमने दर्शन रात को किए, लेकिन सुबह जो दिखाई देता है हम उसको दिखाने आए हैं। आप एक बार देखिए, अलकनंदा के तट पर बसा हुआ ये भगवान बद्री विशाल का मंदिर है, वो मंदिर है, और यहाँ पर है वो, इधर है माणा गांव, जो भारत का अंतिम गांव माना जाता है। हम वहाँ भी जाएंगे, और हमारे साथ ये सारे साथी हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो जो कल कल रहती नदी, यहाँ से उद्गम स्थान होता है, वहाँ से एक बूंद आती है, आके आकर ये बहुत ही विशाल विशाल दूध वाली नदी बन जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम मंदिर के लिए, उनको दिखाइए दर्शकों को, देखिए यहाँ पर जहाँ से सप्त कुंड कहते हैं, अग्निकुंड भी कहते हैं, नारद कुंड भी है। अरे चप्पल कहाँ निकल रहा? फोटो खिंचवाना है, फोटो एक पूरा ऐसे लिखने वाला भी है ना। हाँ लगाएंगे। जय श्री मन्ना। जय बद्री महाराज। महाराज जी इनके भी लगा दीजिए। जय भगवान बद्री। आज बहुत बढ़िया आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे जिस 50 का 6 को चुका है, करीब 3 घंटे से जाम लगा हुआ। छोटा सा रोड है, चलेगा कोई दो दो तीन तीन गाड़ियां एक साथ कहां से चल पाएंगी। गाड़ी भी तो बड़ी जगह पर आके आएंगे। भाई असम से? जी असम से आ रहे। कितने दिनों गए आते हो? 49 डेज। 49 डेज जिसमें हम लोग यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ हो गई है। अब ये चौथा धाम है आपका? चौथा धाम है हमारा।
आप सारा सामान होगा आपके पास साइकिलिंग का पूरा? हाँ, साइकिलिंग पंचर वगैरह पूरे हाँ, सारी चीजें पंचर वगैरह मेडिसिन। आपकी टीम है, अकेले आए हो आप? हमारे टीम थे दो थे हम लोग सिर्फ हाँ। तो एक केदारनाथ दर्शन करके चला गया, अब मैं चौथा करके जाऊंगा। आपका नाम? रोशन कुमार पंडित। रोशन कुमार पंडित, हम लोग तिनसुकिया आश्रम से आ रहे हैं। अच्छा, आश्रम के लिए कुछ प्रमोट वगैरह कर रहे हो? आश्रम के लिए नहीं, हम दो मोटिव लेके चल रहे हैं, एक सेव ट्री, ये ब्लॉक ये करो जूम, सेव ट्री सेवर्ड, पेड़ रहेगा तो हम लोग रहेगा, पेड़ से ही हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा है, बात है पेड़ों को बचाओ, पेड़ लगाओ। और दूसरा जैकी श्रॉफ भी कहता है कि पेड़ लगाने का भिड़ू लोग, पेड़ लगाने का समझे। और दूसरा हमारा फिट इंडिया मूवमेंट जी, इससे हम अपने भारत के जितने भी नए युवा है उनको इंस्पायर कर रहे हैं साइकिल राइड करने के। ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सारे भारत के जितने भी युवा हैं, जो भी अनफिट लोग हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं साइकिल राइड ये करने। चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, आज इनका चौथा धाम है। आसाम से आए हैं बहुत दूर से, और हम नॉर्मली केदारनाथ चढ़े, हम चढ़ने में ही थक गए, ये साइकिल से आसाम से आए हैं, तीन धाम कर चुके हैं, चौथा बद्रीनाथ। बहुत ही कठिन यात्रा है, भगवान आपकी यात्रा को शुभ मंगल बनाए। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी टीम है, सारे दोस्त हैं हमारे, इन सबको भी लेता हूं मैं। हमारे भी ले लो ना भैया। अच्छा, आपको ब्लॉक है? हां, भी ब्लॉक कर रहे हैं। आ गई गाड़ी, आ गई। आ गई गाड़ी। तो अभी यहां पर कुछ भैया लोग मिल चुके हैं, भाई लोग मिल चुके हैं। कहां से भैया आप लोग? हम लोग तो यूपी, यूपी राजस्थान, बनारस, यूपी राजस्थान बनारस। अच्छा, तो आप लोग अभी कौन कौन से धाम कंप्लीट कर दिए? हम तो केदारनाथ गए, अब दूसरा बद्रीनाथ धाम है हमारा। अच्छा, मतलब यमुनोत्री गंगोत्री नहीं गए ना? नहीं, हम केवल धाम के हैं। कौन से जिले हैं? ठीक है भैया, तो सुन लो, ठीक है। ओके ओके, बाय बाय।